स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जीआरडीए के बारे में। स्टूडेंट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और हमारे एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाने वाला टॉपिक होता है, और ये हमारे जूलॉजी के पेपर्स में होता है। तो आप अपने कंसर्न सब्जेक्ट्स यानी जूलॉजी के किस पेपर में है इसको आप देख लीजिएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी नोट्स को, इसकी पीडीएफ नोट्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जीआरडीए क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूँ कि ये एक पैरासाइट है, फाइलम प्रोटोजोआ का ही एनिमल है। जैसे फाइलम प्रोटोजोआ में बहुत सारे फ्री लिविंग यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इसी तरह से बहुत सारे पैरासाइट्स भी फाइलम प्रोटोजोआ के होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, जैसे आपका जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, एंट अमीबा जिंजिवेलिस हो गया। तो उसी तरीके से उसी फाइलम प्रोटोजोआ का ही ये भी एक पैरासाइट है, फ्लैजिलेटेड पैरासाइट है। इसके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जीआरडीए। इसका नाम क्या रखा गया है? जीआरडीए। स्टूडेंट्स की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन स्पीशीज जीआरडीए की है उसका नाम है जीआरडीए लैम्बलिया। क्या बोलते हैं? जीआरडीए लैम्बलिया, या हम उसको बोलते हैं जीआरडीए इंटेस्टाइनेलिस। क्या बोलेंगे? जीआरडीए इंटेस्टाइनेलिस। तो चाहे आप जीआरडीए लैम्बलिया बोलें या फिर उसी का एक दूसरा नाम जीआरडीए इंटेस्टाइनेलिस भी है। क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, जीआरडीए के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग जानेंगे कि जीआरडीए पैरासाइट जो होता है ये कैसा होता है, देखने में ये कैसा होता है, इसका डायग्राम कैसे होता है, और फिर इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, इसकी पैथोजेनेसिटी क्या है, कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, डिजीज़ के सिम्टम क्या होते हैं, डिजीज़ का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो ऐसे तमाम सारे पॉइंट्स को, सारे एस्पेक्ट्स को आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स क्या कि जीआरडीए फाइलम प्रोटोजोआ का ही एनिमल है, और ये जो एनिमल होता है ये एक फ्लैजिलेटेड पैरासाइट है। इसके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर फ्लैजिला, आपको बहुत सारे फ्लैजिला दिखाई दे रहे होंगे ना, नीचे दो दिखाई दे रहे होंगे, फिर दो ये साइड में, फिर ऊपर की तरफ दो इस साइड में, दो इस साइड, टोटल 1 2 3 4 ठीक, टोटल फोर पेयर फ्लैजिला इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये फ्लैजिलेटेड पैरासाइट है फाइलम प्रोटोजोआ का। ठीक है, कहाँ पे रहता है ये? तो इसका बेसिकली, इसका जो होस्ट है वो कौन है? ह्यूमंस हैं। बहुत सारे जीआरडीए दूसरे एनिमल्स के अंदर भी रहते हैं, रैट में भी रहते हैं, और भी दूसरे एनिमल्स में रहते हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हम लोग जीआरडीए इंटेस्टाइनेलिस स्पीशीज के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे वो जीआरडीए इंटेस्टाइनेलिस या जीआरडीए लैम्बलिया जिसको कहते हैं उसके रेफरेंस में पढ़ेंगे, उसको कंसिडर करके पढ़ेंगे। और जीआरडीए इंटेस्टाइनेलिस या जीआरडीए लैम्बलिया जो होता है, जिसका फिगर यहाँ पे बना हुआ है, इसका होस्ट कौन है? ह्यूमन है, मैन है, यानी हम लोग हैं, इंसान है। तो ये हमारे अंदर कहाँ रहता है? ये हमारे अंदर हमारी इंटेस्टाइन में जाकर रहता है। ये कहाँ रहता है हमारे अंदर? हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी आंत में रहता है। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पर स्पेसिफिकली? तो ये होता है ड्यूओडेनम में। कहाँ पर? ड्यूओडेनम, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है, सबसे आगे का जो पार्ट होता है, जो थोड़ा मुड़ा सी के शेप का होता है, उसको ड्यूओडेनम कहा जाता है। ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप ना, तो यहाँ पर, यहाँ आप देखेंगे नीचे इस तरफ, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से जहाँ से मुड़ी होगी, पीछे की साइड में इसके है सी शेप का, वो वाला पोर्शन जो है, या आप इसी को मान लो, ये आप देख रहे हो ना, यही है ड्यूओडेनम। तो यहाँ पर जो है जीआरडीए लैम्बलिया या जीआरडीए आपका जो है इंटेस्टाइनलिस जो है वो यहाँ पे, यही इसका हैबिटेट है, यहीं पर ये रहता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट के, ये जेजुनम के अपर पार्ट में रहता है, ड्यूओडेनम प्लस अपर पार्ट ऑफ जेजुनम। ठीक है ना, तो जेजुनम जो है वो इंटेस्टाइन का ही जो है मिड वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो जेजुनम का अपर एरिया और ड्यूओडेनम, इन दो भागों में, छोटी आंत में जीआरडीए रहता है, यहाँ पर ये निवास करता है, यहीं पर ये इसका हैबिटेट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फाइलम प्रोटोजोआ का एक फ्लैजिलेटेड पैरासाइट है। इसको फ्लैजिलेटेड पैरासाइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, कई सारे फ्लैजिला, फोर पेयर्स फ्लैजिला पाए जाते हैं, और ये हम इंसानों के अंदर डिजीज कॉज करता है, पैरासाइट की फॉर्म में होता है, ये कभी फ्री लिविंग नहीं होता है, ये हमेशा किसी एक होस्ट के अंदर होता है। और जीआरडीए इंटेस्टाइनेलिस का होस्ट जो है वो कौन है? ह्यूमंस हैं। तो ये हमारे अंदर, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम पार्ट में और जेजुनम के अपर पार्ट में पाया जाता है। स्टूडेंट्स,
जियार्डिया की पूरी लाइफ साइकिल में ये दो फेज में होता है, यानी ये पूरे अपने जीवन चक्र में दो तरह के स्वरूप में, दो तरह के रूप में, दो अवस्थाओं में पाया जाता है। सबसे पहली अवस्था जो आपको ये दिख रही है, ये पूर्ण विकसित अवस्था है, कम्प्लीटली डेवलप्ड स्टेज है, एडल्ट स्टेज है, इसको हम ट्रोफोजॉइड स्टेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोफोजॉइड। तो दिस इज द ट्रोफोजॉइड स्टेज ऑफ जियार्डिया, ठीक है, मतलब ये वेल डेवलप्ड है, कम्प्लीटली डेवलप्ड है, ठीक है ना, ये एडल्ट स्टेज हो गई। और ये दूसरी स्टेज आप जो यहाँ पे देख रहे हो, ये वाली, इसको कहा जाता है सिस्ट स्टेज या सिस्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है कि इसके चारों तरफ सिस्ट लेयर, कुछ हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर्स, जिसको सिस्ट कहा जाता है, सिस्ट मेम्ब्रेन कह सकते हैं, वो डेवलप हो जाती हैं, और अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स जो है न्यूक्लियस में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से ये दो फेजेस में पाया जाता है, यानी जियार्डिया जो है वो टोटल दो अवस्थाओं में रहता है। एक अवस्था जो उसकी सबसे डेवलप अवस्था होती है, वयस्क अवस्था जो होती है, उसको हम ट्रोफोजॉइड कहते हैं, वो ये वाला फिगर है। और जो उसका सेकेंड जो फॉर्म है लाइफ साइकिल की, जो सेकेंड स्टेज है लाइफ साइकिल में, वो जो है उसको हम सिस्ट फॉर्म या सिस्ट स्टेज कहते हैं। उसमें वो राउंडेड या ओवल हो जाता है, और साथ साथ उसके अंदर जो है न्यूक्लियस जो होते हैं, वो उनका जो नंबर होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। यानी एडल्ट के जब आप यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ एडल्ट में यानी ट्रोफोजॉइट में टोटल दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, 1-2, ठीक है ना, जबकि सिस्ट वाले में चार न्यूक्लियस पाए जाते हैं, 4-6 तक होता है, 4-6 तक हो जाता है, अमूमन चार देखा जाता है, तो चार न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसके अंदर, जबकि ट्रोफोजॉइट स्टेज में इसके अंदर केवल दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे आपको फर्क दिखाई दे रहे हैं, इसमें फ्लैजेला है, इसमें फ्लैजेला नहीं है, इस वाली अवस्था में जब ये रहता है तो इसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता, ये प्रोडक्टिव हो जाता है, इसके चारों तरफ जो है प्रोडक्टिव हार्ड मेम्ब्रेन डेवलप हो जाता है, इसको सिस्ट कहा जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हो गया, तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये दो फेजेस में पाया जाता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी शेप साइज की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम शेप की बात करें, तो जो ट्रोफोजॉइट है, तो ट्रोफोजॉइट का जो शेप होता है वो कितना होता है, वो होता है इसका जो शेप है वो है 8-14 माइक्रॉन लॉन्ग, यानी 8-14 माइक्रॉन लंबा होता है, 8-14 माइक्रॉन लंबा होता है। कौन लंबा होता है? ट्रोफोजॉइट स्टेज। ट्रोफोजॉइट स्टेज में जियार्डिया जो है वो 8-14 माइक्रॉन तक क्या होता है, लंबा होता है, और इसकी चौड़ाई जो है अगर इसको हम कंसीडर करें तो ये 7-10 माइक्रॉन ब्रॉड होता है, यानी चौड़ा होता है। तो ये 7-10 माइक्रॉन क्या होता है, ब्रॉड होता है, यानी कि चौड़ा होता है, ठीक है ना। तो ट्रोफोजॉइट की लेंथ होगी वो 8-14 माइक्रॉन होगी, और जो विथ होगी, जो उसकी लंबाई, जो उसकी चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, वो होगी 7-10 माइक्रॉन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके शेप को देखें, तो ट्रोफोजॉइट का शेप आपको कैसा दिख रहा है, पियर शेप दिख रहा है। कैसा? पियर शेप, यानी जो ये वयस्क अवस्था में जब ये आपका जियार्डिया होता है ट्रोफोजॉइट फॉर्म में, तब ये नाशपाती के आकार का दिखाई देता है, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये चपटा होता है और नाशपाती के आकार का होता है। जब ये सिस्ट स्टेज में होता है तो ये आपको थोड़ा सा ओवल शेप का दिखाई, अंडाकार दिखाई दे रहा है, या थोड़ा राउंडेड, ठीक है ना। तो ये ओवल शेप हो जाता है सिस्ट स्टेज में, और जब ये ट्रोफोजॉइट स्टेज में होता है तो ये कैसा होता है, तब ये जो है आपका पियर शेप्ड हो जाता है। तो पियर शेप्ड होता है, बॉडी फ्लैटेंड होती है डॉर्सी वेंट्रली, यानी बॉडी में दो साइड होती है, डॉर्सल और वेंट्रल, और बॉडी फ्लैट होती है, ठीक है ना। इसका जो डॉर्सल सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स। डॉर्सल सरफेस कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होगा उसका, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं और थोड़ा इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये जो जियार्डिया है, इसमें अगर सबसे पहली बात आप देखोगे यहाँ पे, अब आप इस डायग्राम को देखो ध्यान से, इस डायग्राम को, इसमें तो कुछ नहीं है खास, इसको आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहली बात यार, यहाँ पे ऊपर जो है, ऊपर वेंट्रल साइड में, मतलब ये तो डॉर्सल से, ये जो फिगर आप देख रहे हो, दिस इज डॉर्सल व्यू ऑफ ट्रोफोजॉइट, डॉर्सल व्यू ऑफ ट्रोफोजॉइट, ठीक है ना। तो ये ऊपर से आप देख रहे हो डॉर्सल से, ठीक है ना। लेकिन अब आप अगर इसको नीचे से देखते, वेंट्रल साइड से देखते, तो ऊपर की तरफ जहां से ये ब्रॉड एंड, इसका जो ये ब्रॉड एंड है, इसको इंटीरियर एंड भी कहा जाता है। ये ऊपर से इधर से चौड़ा है, इधर से थोड़ा सा ये पॉइंटेड है, तो इधर से ये जो ब्रॉड एंड है इसको हम इंटीरियर एंड कहते हैं, और ये जिधर से थोड़ा पॉइंटेड है इसको हम पोस्टीरियर एंड कहते हैं। तो इसका जो ब्रॉड एंड होता है, इस ब्रॉड एंड में पोस्ट वेंट्रल साइड में क्या होता है, एक सकिंग डिस्क होती है। क्या होती है? सकिंग डिस्क, मतलब कि क्योंकि ये हमारी आंतों में रहता है, तो ये हमारी आंत की जो म्यूकोसा लेयर होती है, उस म्यूकोसा लेयर को से चिपक जाता है, ठीक है ना, उससे उसमें जो है अपने आप को धसा लेता है, ताकि जो है वो उससे न्यूट्रिशन ले सके।
ठीक है ना, म्यूकोसा लेयर से ब्लड्स और ये जो जो सेल्स टिश्यूज होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके। तो इसलिए यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर अंदर वेंट्रल साइड में ब्रॉड इंटीरियर एंड पे वेंट्रल साइड में यानी नीचे की तरफ जो आपको यहाँ डायग्राम में नहीं दिख रहा है वहाँ पे क्या होता है, एक सकिंग डिस्क इसके अंदर पाई जाती है। स्टूडेंट्स फ्लैजला की बात करिए, पोस्टीरियर साइड में नीचे की तरफ एक पेयर फ्लैजला आपको दिखाई दे रहा है ये, इसके अलावा ये लैटरल साइड में आपको एक पेयर, एक इधर, तो ये एक लैटरल साइड में दो एक पेयर फ्लैजला दिखाई दे रहा है, और ऊपर की तरफ यानी इंटीरियर लैटरल साइड में आपको दो पेयर फ्लैजला दिखाई दे रहे हैं, यानी एक पेयर ये दो पेयर, उसके बाद एक पेयर ये तीन पेयर और एक पेयर ये चार, तो टोटल फोर पेयर फ्लैजला जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर देखो तो ट्रोफोजॉइड स्टेज में इसके अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, दो, टोटल टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है ना, टोटल दो न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो एक स्ट्रक्चर से जो है जुड़ा रहता है, कहां से, बेसल बॉडी से। ये जो स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग क्या, राइजोप्लास्ट। राइजोप्लास्ट प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है और वो जो है दोनों न्यूक्लियस को क्या करता है, कनेक्ट रखता है, जोड़े रखता है, किससे, मेन बॉडी से, सेल के मेन बॉडी से, बेसल बॉडी से जुड़ा रहता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बेसल बॉडी कहाँ है, ये बेसल बॉडी है, इसको क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी का मतलब, बेसल बॉडी का मतलब वो वाला पोजीशन, ये भी प्रोटीन का बना स्ट्रक्चर होता है बेसल बॉडी, या एक तरह से हम इसको सेंट्रियोल के जैसा कह सकते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल का बना स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ से जो है बेसल बॉडी से जो है फ्लैजला डेवलप होते हैं। बेसल बॉडी से क्या डेवलप होते हैं, फ्लैजला डेवलप होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, समझ में आ गया। एक्सोस्टाइल क्या है, तो बीच में आपको जो एक लंबा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको एक्सोस्टाइल कहते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल नाम के स्ट्रक्चर से बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल वास्तव में प्रोटीन्स होती हैं, तो ये प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के शेप को मेंटेन रखता है, साथ साथ थोड़ा सा लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक्सो स्टाइल आप इसको कहते हैं। तो बहुत ही आसान सा फिगर है जीआरडिया का, आप सब लोग को ये फिगर याद कर लेना है बहुत अच्छे से, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इसको बनाएंगे, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे एग्जाम पूछा कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ जीआरडिया, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। सिस्ट वाली स्टेज वाला डायग्राम तो आप बना ही लोगे, ये बहुत आसान है, आप इसको बनाओ या फिर नहीं, लेकिन आपको इसका ट्रोफोजाइट स्टेज जो है ये जरूर बनाना है, क्योंकि ये इसका मेन स्ट्रक्चर है, जीआरडिया का मेन स्ट्रक्चर यही है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको सारे जितनी भी चीजें इसमें, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, फोर पेयर फ्लैजला पाए जाते हैं, दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ऊपर जो है न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस दोनों जो है एक कुछ स्ट्रक्चर से कनेक्ट रहते हैं जिनको राइजोप्लास्ट कहते हैं। राइजोप्लास्ट जो है बेसल बॉडी से न्यूक्लियस को कनेक्ट रखता है। बेसल बॉडी वो जगह है जहाँ से फ्लैजला डेवलप होते हैं। टोटल जो है फोर पेयर फ्लैजला है, वन पेयर नीचे की तरफ पोस्टीरियर साइड में है, वन पेयर लैटरल साइड, इन दोनों को लैटरल साइड कहेंगे, और ये जो ऊपर की साइड में दो पेयर दो इधर है, मतलब एक पेयर ये, तो ये जो दो पेयर ऊपर की तरफ है इनको एंटीरियर लैटरल साइड में माना जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, आप इस लेक्चर को एक बार दोबारा से रिवाइज करिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जब तक आप लेक्चर को, मैं बार बार आपसे कहता हूँ हर लेक्चर में कि आप चीज़ों को दो बार तीन बार आप रिवाइज किया करिए, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप बहुत आसानी से अपने एग्जाम में इसको लिख लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। बात साथ साथ मैं आपको पीडीएफ नोट्स इसकी प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो आप इसको अपनी कॉपी में तो देख के लिख ही लेंगे अपने ऑनलाइन पोर्टल से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं थोड़ा सा और, तो स्टूडेंट्स जो ये ट्रोफोजॉइट स्टेज है, ये ट्रोफोजॉइट स्टेज ही जो है आगे चलकर चेंज होती है किसमें, सिस्ट स्टेज में, यानी ट्रोफोजॉइट स्टेज जो होती है वही सिस्ट स्टेज में ट्रांसफॉर्म होती है। ट्रोफोजॉइट अवस्था से ही सिस्ट अवस्था का निर्माण होता है, और ये जो जियार्डिया है ये जो रिप्रोडक्शन करता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कैसे, एसेक्सुअल, हमेशा याद रखेंगे, जियार्डिया कैसे रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन करता है। क्या करता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो इसके अंदर भी क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन करके जो है अपनी अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपना मल्टीप्लीकेशन करता है, अपनी आबादी बढ़ाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट जरा इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट देखो ये लाइफ साइकिल यहाँ पे बनी हुई, बहुत ही आसान सी लाइफ साइकिल, कुछ नहीं है। देखो भाई ये देखो, ये ह्यूमन है। अब होता क्या है कि ह्यूमन जो है उसके अंदर सिस्ट स्टेज में ह्यूमन जो होता है उसके अंदर जियार्डिया एंटर करता है। इंसान के अंदर जियार्डिया की एंट्री कैसे होती है, सिस्ट स्टेज में होती है। सिस्ट स्टेज प्रोटेक्टिव स्टेज होती है क्योंकि इसके चारों तरफ जो होता है, सिस्ट का मतलब ही होता है अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है हार्ड बना लेना, ठीक है ना, अपने आप को उसी के लिए अडॉप्ट कर लेना कि हम अनफेवरेबल कंडीशन में ज़िंदा रख सकें अपने आप को। तो इसलिए बहुत सारे जो
जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिस्ट फॉर्म बनाते हैं, पैरासाइट्स जो होते हैं यूजुअली। तो यहाँ पर भी सिस्ट फॉर्म जो बन रही है वो इसीलिए बन रही है क्योंकि सिस्ट फॉर्म जो है, इस फॉर्म में जियार्डिया जो होता है वो बाहर रहता है, हमारा जो फीकल मैटर होता है, जो हमारा फीकल मैटर होता है, वेस्ट मटेरियल जो बॉडी का होता है, फीकल मैटर स्पेशली, तो उस फीकस में जो है सिस्ट पाई जाती है। अब वो फीकस जो होता है वो अगर किसी पानी से मिल रहा है या फिर किसी किसी के थ्रू वो हमारे फूड से उसका कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो ये जो फीको ओरल कहते हैं ना, तो फीकस से जो है ये हमारे फूड को और हमारे पानी जो होता है, वो जो पानी जो गंदा पानी होता है, कंटामिनेटेड वाटर होता है, कंटामिनेटेड फूड होता है, तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं उनमें जो है ये सिस्ट चली जाती है फीकस से, ठीक है ना। तो फीकस से ये हमारे फूड में और हमारे वाटर में जो गंदा पानी और गंदा खाना होता है उसमें ये चीज़ चली जाती है, ठीक है। और उसके बाद जब हम उस खाने को खाते हैं, उस फूड को खाते हैं, उस गंदे पानी को पीते हैं, तो इस तरह से ये सिस्ट जो है वो हमारी बॉडी में इंटर कर जाती है। सिस्ट अवस्था में जियार्डिया इंसान के अंदर इंटर करता है, जब सिस्ट अवस्था में ये इंटर करता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद जो है ये हमारी इंटेस्टाइन में जाता है। तो सिस्ट स्टेज में ये हमारी इंटेस्टाइन में चला जाता है, इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट में चला जाता है। जब ये हमारी इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट में चला जाता है तो वहाँ पे जाने के बाद इसका एक्स सिस्टेशन होता है। क्या होता है? एक्स सिस्टेशन। एक्स सिस्टेशन का मतलब क्या बच्चों? एक्स सिस्टेशन का मतलब ये होता है कि सिस्ट जो है वो अब टूटेगी और सिस्ट के अंदर से जो है क्या निकलेगा, सिस्ट के अंदर से नया विकसित जियार्डिया निकलेगा, फुल्ली डेवलप्ड जियार्डिया निकलेगा, मतलब ट्रोफोजाइट निकलेगा। तो इस सिस्ट, ये सिस्ट जब हमारे अंदर पहुंच जाएगी गंदे पानी गंदे खाने के थ्रू और हमारी इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, तो वहां पर सिस्ट अब जो है वो क्या होगी, रप्चर होगी, टूटेगी और इसके अंदर से दो ट्रोफोजाइट निकलेंगे। कितने ट्रोफोजाइट? दो। हर एक सिस्ट से दो ट्रोफोजाइट निकलते हैं, फिर वो ट्रोफोजाइट हमारी इंटेस्टाइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन करेंगे, और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन करके सिस्ट जो है वो मल्टीप्लाई होंगे और ट्रोफोजाइट जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, और फिर जो है अल्टीमेटली फिर से वो उनके अंदर इंसिस्टेशन होगा, यानी फिर से ट्रोफोजाइट जो है उनके चारों तरफ जो है सिस्ट बनना चालू हो जाएगी। जब ये ट्रोफोजाइट थोड़ा और नीचे खिसकने लगेंगे हमारी इंटेस्टाइन में, और ये हमारी इंटेस्टाइन में थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ जो है कोलन, हमारा जो सीकम ना, कोलन रेक्टम यानी हमारा जो बड़ी आंत होती है लार्ज इंटेस्टाइन, उसकी तरफ जब ये माइग्रेट करने लगेंगे सिस्ट, तो ये ट्रोफोजॉइड जो है वो सिस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कोलन की तरफ अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, अब वो जो है वो फीकल मैटर के साथ बाहर निकलेंगे, तो फीकल मैटर के साथ अक्सर जो है सिस्ट फॉर्म में जो है जियार्डिया बाहर आता है, कभी कभी जो है ट्रोफोजॉइड फॉर्म में भी आ जाता है, लेकिन ट्रोफोजॉइड फॉर्म अगर ट्रोफोजॉइड फॉर्म में फीकल मैटर से बाहर आ रहा है तो वो अक्सर इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जब सिस्ट फॉर्म में आता है तो वो प्रोटेक्टिव होता है, उसके चारों तरफ हार्ड मेम्ब्रेन होती है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में जो है बाहर सर्वाइव कर लेता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं पैथोजेनेसिटी की। पैथोजेनेसिटी मतलब डिजीज क्या होगी। तो इंसानों में जब जियार्डिया का इन्फेक्शन होता है, जब इंसान गंदा पानी गंदा खाना कंटामिनेटेड फूड कंटामिनेटेड वाटर जो है यूज़ करता है, खाता है, पीता है, तो इस तरह से जो सिस्ट होते हैं इसके, ये सिस्ट इंसानों की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, हमारी आंत में इसका इन्फेक्शन होता है, ये हमारी इंटेस्टाइन में डिसऑर्डर क्रिएट करता है, डिजीज़ कॉज करता है, डायरिया टाइप की डिजीज़ कॉज करता है, और इससे जो डिजीज़ होती है उसको बोला जाता है जियार्डियासिस। क्या बोलते हैं? जियार्डियासिस। तो आपको मैं बता देता हूँ डिजीज़ का नाम याद करो बच्चों, जियार्डिया से ह्यूमन में कौन सी बीमारी होती है, क्या नाम है? बहुत आसान नाम है ना, जियार्डियासिस। जियार्डिया से जियार्डियासिस, समझ में आ गई बात ना। इसको जियार्डियासिस भी कहा जाता है और इसको जो है बीवर फीवर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बीवर फीवर। कैसे लिखेंगे बीवर फीवर? बी ए ई वी ई आर फीवर। तो हम जियार्डियासिस को बीवर फीवर भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, और ये डिजीज़ का नाम हो गया जो किससे होती है, जब इंसान को किसी ह्यूमन को जियार्डिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको जो डिजीज़ होगी उसी को हम जियार्डियासिस या बीवर फीवर भी कहते हैं। इस डिजीज़ में क्या होता है? इंटेस्टाइन में माल अब्जॉर्प्शन होता है, यानी इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड है, जो डाइजेस्ट हो रहा है फूड, डाइजेस्टेड फूड का अब्जॉर्प्शन ठीक तरह से नहीं हो पाता, तो जो इंसान होता है या जो वो बच्चा होता है चिल्ड्रेन, वो कमज़ोर हो जाता है, उसका वेट कम हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट रुक जाता है, ठीक है ना। तो ये आमतौर पे गंदा पानी गंदा खाना खाने से जो है इसके सिस्ट बॉडी में एंटर कर जाते हैं और हमारी इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो डिजीज़ कॉज होगी उसको जियार्डियासिस या बीवर फीवर कहा जाएगा। और इस डिजीज़ के सिम्टम क्या होंगे कि वो जो बच्चा होगा उसको एक तरह की जो है डिसेंट्री टाइप के कैरेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है ना, उसका पेट नहीं ठीक रहेगा, उसको जो है उसके अंदर माल अब्जॉर्प्शन होगा,
होगा, यानी उसका उसका जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होगा ठीक तरीके से। खाना जो है डाइजेस्ट होने के बाद उसके ब्लड में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इंटेस्टाइन से फूड जो है वो डाइजेस्ट फूड जो है वो ब्लड में जाता है, तो वो काम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, उसी को माल एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। मतलब एब्जॉर्प्शन में गड़बड़ी हो जाएगी, फूड के एब्जॉर्प्शन में। उस बच्चे या उस इंसान की जो पूरी ओवरऑल ग्रोथ है बॉडी की और डेवलपमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये हो गई क्या बीमारी, ठीक है ना। तो बच्चों आप सब लोगों को इस डिजीज का नाम याद हो गया होगा बहुत अच्छे से, जीआरडीएसिस या फिर बीवर फीवर भी कहा जाता है अमीबास जीआरडीएस से होने वाली बीमारी को। स्टूडेंट्स इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट जो होता है उसके लिए मेडिसिन ऑलरेडी हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है उसका नाम है एटेब्रिन। एटेब्रिन क्या नाम है, एटेब्रिन कैसे लिखेंगे, ATEBRIN। तो एटेब्रिन क्या है, एक दवा का नाम है, ड्रग का नाम है, और ये जो है यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, इसको देते हैं जब किसी को जीआरडीएसिस हो जाती है या फिर जीआरडिया का इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा बच्चों क्लोरोक्विन और मेट्रानिडाजोल, तो क्लोरोक्विन भी एक मेडिसिन होती है, आपने इसका नाम भी सुना होगा शायद। तो क्लोरोक्विन को भी हम इस जो है इस केस में, इस बीमारी में जो है ट्रीट करने के लिए उसकी भी हेल्प लेते हैं। मेट्रोनिडाजोल बहुत कॉमन जो है एक तरह की मेडिसिन होती है, और अक्सर जो है जो अमीबिक डिसेंट्री हो जाती है या फिर इस तरह के जो प्रोटोजोवन से जो हमारे इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रिक ट्रैक में जब इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर हम जो है मेट्रोनिडाजोल को जो है डॉक्टर्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मेट्रोनिडाजोल और साथ साथ जो है क्लोरोक्विन और एटेब्रिन, ये तीन मेडिसिन जो हैं वो बहुत यूजफुल होती हैं, और उसी से जो है इस डिजीज़ को क्योर किया जाता है, यानी इस बीमारी को ठीक किया जाता है। किस बीमारी को, जीआरडीएसिस या फिर बीवर फीवर को। कि ये बीमारी किससे होती है, जीआरडीएस से होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया। इसकी लाइफ साइकिल में दो स्टेज होते हैं, एक तो ट्रोफोजॉइट स्टेज यानी एडल्ट स्टेज और दूसरा सिस्ट स्टेज, ठीक है ना। और उसके बाद लाइफ साइकिल भी आपको बता दी, बहुत ही आसान सी लाइफ साइकिल, कंटामिनेटेड फूड यानी दूषित भोजन, दूषित पानी के पीने से, उस पानी में या उस भोजन में इसके सिस्ट होते हैं जीआरडिया के, और वो सिस्ट हमारी बॉडी में चले जाएंगे जब हम उस खाने को खाएंगे या उस गंदे पानी को पिएंगे, और उसके बाद वो सिस्ट जो है हमारे इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, और वहाँ पे जाने के बाद उस सिस्ट का जो क्या होगा, एक्सिस्टेशन हो जाएगा, और उस सिस्ट में से क्या निकलेगा, उस सिस्ट में से निकलेंगे क्या, ट्रोफोजॉइट्स। एक सिस्ट से दो ट्रोफोजॉइट निकलेंगे, ट्रोफोजॉइट्स जो होंगे वो डेवलप होंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, और वहाँ पे ट्रोफोजॉइट जो है वो जो रिप्रोडक्शन करेंगे उसको लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कहा जाएगा, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और उसके बाद फिर से ट्रोफोजॉइट जो जैसे नीचे जाएंगे तो वापस से अपने चारों तरफ सिस्ट बनाने लगेंगे, जो नए ट्रोफोजॉइट्स बनेंगे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के बाद, वो सारे ट्रोफोजॉइट्स वापस से इंसिस्टेशन करेंगे, अपने चारों तरफ सिस्ट बनाएंगे, और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ हमारी इंटेस्टाइन में जो है, एलिमेंट्री कैनाल में नीचे की तरफ जो है, कोलन की तरफ नीचे जब मूव करते जाएंगे, और अंत में जो है लास्ट में हमारे फीकस के साथ, फीकल मैटर के साथ वो बाहर चले आएंगे सिस्ट वाली फॉर्म में। समझ में आ गई बात, सिस्ट वाली फॉर्म में ही वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। आमतौर पे अगर ट्रोफोजॉइट फॉर्म में अगर जीआरडीए चला आता है बाहर, तो वो अक्सर सर्वाइव नहीं कर पाता, उसकी डेथ हो जाती है। डिजीज़ के बारे में मैंने बता दिया, डिजीज़ का सिम्टम बता दिया, ट्रीटमेंट बता दिया, लाइफ साइकिल भी आपको बता दी। स्टूडेंट्स इस लेक्चर को एक बार फिर से आप सब रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा बार बार इस लेक्चर को सुनेंगे देखेंगे, और उससे उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, और चीज़ें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठी रहेंगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नोट्स मैं आपको आपके पोर्टल पर पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लेके उसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, जीआरडीए पूरा हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर से, और तब तक के लिए थैंक यू।